भाई साहब उसमें इतना पैसा है कि बंदा गिनते गिनते थक जाए। सत श्री अकाल एवरीवन, की हाल चाल यार। पिछले 5 दिनों से ना यहाँ पे या तो बारिश हो रही थी या फिर क्लाउडी वेदर था। आज धूप निकली है एंड इट लुक सो गुड। एक्चुअली अभी रेनी सीजन है तो इसलिए ऐसे ही रहेगा मौसम, धूप कभी कभी दिखती है। जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज की इस वीडियो में मैं जापान के कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर प्रोफेशन कह लो, उनकी सैलरीज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। मैंने टेक इंडस्ट्री वाली वीडियो के ऊपर काफ़ी लोगों के कमेंट्स पढ़े और उसमें जो कॉमन है तो वो 5 मैंने सॉर्ट आउट किए हैं, ठीक है जी। उसमें सबसे पहला तो है मैकेनिकल इंजीनियर या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ठीक है। सेकंड है CA और अकाउंटिंग। थर्ड है फिनांस। फोर्थ है SAP कंसल्टेंट एंड फिफ्थ है 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। तो ये 5 प्रोफेशन या इंडस्ट्री कह लो, इनकी मैं सैलरी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा आज की इस वीडियो में। ये जो मैं आपके साथ सैलरी शेयर कर रहा हूँ ना, ये मेरे जो फ्रेंड्स हैं इंडियन फ्रेंड्स और इन सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं, तो ये उनसे ली गई फीडबैक है। ये कोई ऐसे नहीं है कि मैं आपको कोई ऑनलाइन डेटा पढ़ के सुनाऊँगा, नहीं, इट्स रियल डेटा एंड डेफिनेटली इट विल एड वैल्यू। और आप लोगों को पता चलेगा कि जापान के अंदर क्या है सैलरी रेंज इन इंडस्ट्री, ठीक है जी। चलो फिर करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हब है जापान, जैसे हम सब लोग जानते हैं इस बात को। और टोयोटा, निसान, होंडा, मित्सुबिशी, यामा, ये कुछ वर्ल्ड फेमस जापानीज कंपनी है और भी बहुत सारी हैं। और इनमें अपने इंडियंस भी काफ़ी जॉब करते हैं यहाँ पे। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर की क्या सैलरी रेंज है यहाँ पे। तो डेटा जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया उसमें है जो एंट्री लेवल है, फ्रेशर कह लो या फिर 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस, उनको अराउंड 3 से 5 मिलियन के बीच में सैलरी मिलती है। और मिड लेवल पे ये सैलरी है अराउंड 5 to 8 मिलियन। और उसके बाद एडवांस लेवल पे या फिर एक्सपर्ट लेवल अप कह लो, उसमें सैलरी रेंज वेरी करती है। फॉर एग्जांपल जो मैनेजर है उनकी सैलरी है करीबन 8 से 14 मिलियन और सीनियर मैनेजर 14 से 20 मिलियन 22 मिलियन तक। और उसके बाद लीडरशिप या फिर एग्जीक्यूटिव रोल है उनके अंदर तो कोई लिमिट ही नहीं है, 25 मिलियन या उससे वो इजीली। जापान के अंदर पैसा कमाना है ना तो फिनांस इंडस्ट्री ज्वाइन करो भाई साहब, उसमें इतना पैसा है कि बंदा गिनते गिनते थक जाए। तो वो अलग बात है कि टैक्सेस भी देने पड़ते हैं, बट स्टिल दीज आर द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन जापान, फिनांस। और मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने पूछा कि भाई बताओ क्या सैलरी रेंज है। थोड़ा बहुत ऑलरेडी जैसे हमारी डिस्कशंस होती थी उन्होंने बताया होता, बट अब की बार मैंने स्पेसिफिकली पूछा कि भी फॉर एग्जांपल एंट्री लेवल पे कितनी सैलरी होती है, मिड लेवल पे, एडवांस लेवल पे। तो जो डेटा उन्होंने बताया आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस। एंट्री लेवल पे फिनांस इंडस्ट्री में जो सैलरी है वो है करीबन 5 मिलियन से लेके 7 मिलियन तक, थोड़ा बहुत वेरी हो सकती है ऊपर नीचे, बट दिस इज़ द एंट्री लेवल रेंज। और मिड लेवल पे ये जो रेंज है दैट इज़ फ्रॉम 8 मिलियन टिल 14 मिलियन तक। और एडवांस लेवल पे उस पर तो पैसा ही पैसा है, बेसिकली 14 मिलियन से शुरू होके 25-30 मिलियन, दिस इज़ नॉर्मल, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे आपकी पोजीशन हायर होती जाती है 40 मिलियन इवन उससे ज़्यादा भी पैसा है फिनांस इंडस्ट्री में।
तो मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप जापान आना चाहते हो, ठीक है, अगर आप इंडिया में जॉब कर रहे हो तो आपकी स्टडी आप उस तरह से रखो, अगर आप कोई प्रोजेक्ट है किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो फिनांस के किसी प्रोजेक्ट में घुस जाओ सो दैट यू विल गेन द एक्सपीरियंस, और उसके बाद यहाँ पे आओ पूरा पैसा छापोगे। देखो 3D एनिमेटर की जॉब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रिएटिव फील्ड है और जापान के अंदर इसका बहुत स्कोप है। रीज़न बिहाइंड क्योंकि देखो एनीमे हो गया या मांगा हो गया या फिर गेमिंग होगी या फिर कोई कमर्शियल्स भी होगी तो 3D एनिमेटर हर जगह यूज़ होता है और जापान के अंदर देखो स्कोप है इसका कि हर जगह यूज़ करते हैं, बट सैलरी इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज कॉम्पिटिशन भी उतना ही है। यहाँ पे लोग आपको इतने क्रिएटिव मिलेंगे, जापनीज लोग दे आर रियली गुड एट ड्राइंग एंड ऑल। तो अगर इनकी सैलरीज की बात करी जाए एंट्री लेवल पे अराउंड 3 to 5 million जापनीज यन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मिड लेवल पे यही सैलरी है अराउंड 5 to 8 million यन और एडवांस लेवल पे सैलरी जो 3D एनिमेटर की वो है अराउंड 9 to 13 million जापनीज यन। ये एवरेज सैलरी है और इससे कम भी हो सकती है ज़्यादा भी डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी और आपका स्किल सेट क्या है, देर आर मेनी फैक्टर्स बट दिस इज द एवरेज सैलरी विच आई एम टेलिंग। हाँ जी तो बच्चा पार्टी सो गए हैं और हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे सैलरीज की, तो नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है या फिर प्रोफेशन है वो है सैप कंसल्टेंट का। सैप कंसल्टेंट की जो एंट्री लेवल पे सैलरी है दैट इज अराउंड 3 to 6 million है और मिड लेवल पे ये सैलरी चली जाती है 7 to 10 million के बीच में और अगर एडवांस लेवल की बात करें इट रेंजेस लाइक 9 million ऑनवर्ड, मतलब 15-16 million ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा भी हो सकती है बट 9 million से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये है सैप कंसल्टेंट की सैलरी जापान में। और लास्ट में बात करते हैं CA एंड अकाउंटिंग की। एंट्री लेवल पे इनकी सैलरी है अराउंड 3 to 5 million यन और मिड लेवल पे है 6 to 10 million यन और एडवांस लेवल पे जो CA या अकाउंटेंसी से रिलेटेड यहाँ पे जॉब्स हैं उनकी सैलरी चली जाती है 11 million से अराउंड 18 million। आप लोगों ने एक चीज़ अगर नोटिस की हो जो एंट्री लेवल की सैलरीज है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब 3 million से शुरू होके वही 5, 6, 7 तक चली जाती है सिर्फ फाइनेंस में। फाइनेंस एज आई मेंशन दैट इज़ द हाईएस्ट पेइंग जॉब इन जापान बट अदर देन दैट बाकी जितने भी प्रोफेशन हैं या फिर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो एंट्री लेवल की सैलरी है वो इसी रेंज में रहती है 3 to 5 or 6 million में। और जो वेरी कहाँ पे होता है, एक जो वेरिएशन फैक्टर है दैट इज योर बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री वाले को थोड़ी ज़्यादा मिलती है सैलरी। हाँ जी तो ये थी सैलरीज इन 5 प्रोफेशन या इंडस्ट्रीज की। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ आपको इसमें से वैल्यू मिली हो, आपको एक आइडिया लग गया हो कि जापान के अंदर इन इंडस्ट्रीज में या फिर इन प्रोफेशंस की सैलरी रेंज क्या है और इसके बेस पे आप अपना डिसीजन बना सकते हो कि आपको जापान जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर बात करें कि जापान के अंदर खर्चे कितने होते हैं तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी कि जापान के अंदर लिविंग कॉस्ट क्या है, देन यू विल हैव फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि कितना आप खर्चा करोगे, कितना आपकी बचत होगी अगर आप इस लेवल पे जॉब करने जाते हो। तो मेरा एक्चुअली मेन मकसद है आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन देना, सही इंफॉर्मेशन जिसके बेस पे आप डिसीजन ले सको जापान आने का या फिर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कोई जापान में इंटरेस्ट दिखाता है तो उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही वैल्यूएबल है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, मे बी किसी और के भी काम आ सके। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो @IAMVikasDeepSingh। अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू सैलरी या फिर करियर, एजुकेशन, व्हाटएवर, लाइफस्टाइल तो आप मेरे को कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दोज टॉपिक्स एज वेल।
तो जी इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।